मजबूरी होगी जरूर, वो तो बाद में पता चलेगा। इस वक्त पुप्पी ने जो कुछ मुझसे कहा मैंने बता दिया। सरोनी आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो शादी की तारीख आगे करने को कहा है तो सरोनी आपा वही बताने आई। मगर तारीख क्यों आगे कर दी उन्होंने? ये उल्टे सीधे ना मुंह बना, भाग यहाँ से, मैं आगे बहुत परेशान। मगर अम्मा शादी तो होगी ना? जरूर होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी, बस एक हफ्ते आगे करने को कहा है। अच्छा बेटी तुम जाओ, अपनी सहेलियों के साथ तैयारियां वगैरह करो। अच्छा हाँ बात सुनो, उधर इस बात का जिक्र मत करना, ठीक है? शाबाश, जाओ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, बस जैसे ही अगली तारीख का पता चला फौरन बताऊंगी इंशाल्लाह। सलोनी आपा, मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है। ये क्या बात है, मना कर दो धक धक ना करे, ये फिक्र क्यों करती हो बेटी? माँ बाप के घर में सड़क पर तो नहीं बैठी, अल्लाह पे भरोसा रखो। अच्छा खुदा खुदा पहनी थी कि चला भी नहीं जा रहा। चलने की तो प्रैक्टिस कर रही थी, खांसी हो रही थी, तुम्ही बीच में बोल पड़ी। अरे चलना आएगा तो चलेगी ना, कितनी दफा कहा है कि जवान लड़कियों की सी बातें किया कर, लेकिन तू है कि तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब बच्चों जैसा। तो क्या करूं, सर पे सींग लगा लूं अपने? मुझे नहीं पता किस तरह बड़ी लड़कियों जैसे बनते हैं। अरे गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती, समझाती हूं लेकिन समझती नहीं कुछ। लड़कियों का अखलाक ही सबसे बड़ी चीज होती है, ने भी सलोनी से कह रखा है। अम्मा, अम्मा मेरी शादी ना किसी अमीर आदमी से करवाना। देख बेटा, किस्मत है अपनी अपनी, लेकिन अल्लाह करे तेरी किस्मत मेरी जैसी ना हो, तेरी शादी हो और तू सदा सुहागन रहे। अम्मा अगर तुम्हारी शादी राजी की तरह किसी अमीर आदमी से हो गई होती तो आज हम कितने अमीर होते ना। अरे बेटा, सब लड़कियों की किस्मत राजी जैसी थोड़ी होती है। अरे अम्मा एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, राजी की तारीख बढ़ गई है। अरे कब, क्यों, कैसे? अम्मा इतने सारे सवाल एक साथ। अरे मुझे पता नहीं था। क्यों भाई? पता नहीं,
सलोनी खाला आई और कहने लगी कि शादी की तारीख आगे करना जरूरी हो गया है। तो साबरा ने पूछा नहीं क्यों? भाई हम तो ढोल बजा रहे थे, बस मैंने ये देखा कि साबरा खाला और फिदा अली खालू के चेहरे उतर गए थे, बिल्कुल चुप हो गए थे। अच्छा देखो, सलोनी का इधर से कभी गुजर हुआ ना तो फिर उससे पूछूंगी क्या हुआ। अम्मा प्लीज ना, उनके घर जाके पूछो ना, पता तो चले आखिर बात क्या हुई। इतना सारा सामान एक साथ ना देख लें। लो देख लें तो देख लें, हमारा क्या बिगड़ता है। देख लें तो देख लें, नवाबजादी कहीं की। पता है एक एक चीज पर 10-10 कहानियां बनती है और नजर ऊपर से लगती है। राजी मुझे तो लगता है कि सारा मोहल्ला जो है ना वो अम्मा का दुश्मन हो गया है। चुप कर। अच्छा अम्मा सामान तो दिखाओ। ठहर जा आराम से, खराब कर। राजी बेटा जरा एक ग्लास पानी तो पिला दे। अच्छा थक गई मैं तो, टांगे टूट रही हैं मेरी, आए जोर से दबाना। दबा तो नहीं हूँ। हाय मैं क्या कह रही थी, रानो तू नहीं समझेगी। हाँ अम्मा अब तो तुम्हारी सारी बातें वो तुम्हारी राजी बेटी समझेगी। आए बेटा तुम्हें नहीं पता, कल मेरा की माँ राजी के मोतियों का हार ऐसे ललचा ललचा के देख रही थी कि मैंने तो सोचा अब हार टूटा और अब हार टूटा। मगर अम्मा टूटा तो नहीं ना। आए कैसे टूटता, मैंने फौरन पीर साहब की दुआ पढ़ ली, वो तो उल्टे पांव भागी। अम्मा तुम बड़ी बहमी हो। आए बेटा तुम नहीं समझोगी, जब ऐसे घराने से रिश्ते आते हैं ना तो वसवसे तो जन्म लेते ही हैं। हाँ। अम्मा ये वसवसे किसे कहते हैं? चल हट, वसवसे किसे कहते हैं? तेरे सर को कहते हैं। जाके कमरे में देख, वारिस ने इसके जेहस का कूलर और फ्रूट सेट का डिब्बा कहीं बाहर तो नहीं छोड़ दिया। जा रही हूँ अम्मा, तुम तो बैठने भी नहीं देती। चल हट, सामान बहुत चलने लगी है। अम्मा दिल हो रहा है कि सारे जोड़े जल्दी से सिल जाए। हाय सदके जाऊं, अल्लाह तुझे पहनना नसीब करे। चाय तो मैं पी लूंगी मगर लिफाफे वाली बात अधूरी रह गई। वो भी इतनी रकम तो खैरात में भी दोगी तो बुरा लगेगा। अपने घर को देखो, अपने आप को देखो, मेरी फीस। देखो सलोनी, पहले की बात और थी। अरे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जुबैर मियाँ इतनी मुखालिफत करेंगे। इस वक्त तो उनसे हाँ कहलवाना मुश्किल हुआ जा रहा है, ऊपर से मैं फीस मांगू तुम्हारी उनसे। वो तो आपके घर का मसला है, मेरा घर तो इन्हीं पैसों से चलता है। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। आप बुरा ना माने तो बताओ, वो गए गुजरे लोग भी मेरी फीस देते वक्त शराफत का सबूत दे गए, आपने तो अपनी जबान का पास भी न रखा। देखो सलोनी, उन कमजात लोगों से आइंदा हमारा मुकाबला मत करना। और रही कम मुआवजे की बात, लाओ पैसे वापस करो। मैं खुद तंग आ गई हूँ, इससे को खत्म करो, उधर जुबैर मियाँ को समझाऊं, इधर मैं तुम्हारी बातों का बोझ उठाऊं। अरे पुप्पी आप तो नाराज हो गई। तुम कौन सी खुश करने वाली बात कर रही हो? रूठो मत पुप्पी, कहो तो तुम्हारी टक्कर का भी एक ढूंढ लाओ, खफा क्यों होती हो? चलो हटो फिजूल बातें मत। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे फिदाली। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई क्या हाल है, दुकान नहीं गए क्या?
नहीं डॉक्टर साहब, घर पे काम बहुत है, बस कुछ सौदा लेके घर जा रहा था। अच्छा, तैयारियां हो रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, दामाद को देखा या नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो नहीं देखा। क्यों नहीं देखा तुमने अभी तक? बस कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही। कमाल के आदमी हो तुम, हिम्मत क्यों नहीं पड़ती तुम्हारी? अरे भाई लड़की ब्याना है, जिस घर वो जाएगी वो घर तो देखाओ। डॉक्टर साहब सोच रहा था कि जब मैं और साबरा दूल्हा का जोड़ा लेकर जाएंगे तभी देख लेंगे। बेवकूफी की बातें मत किया करो फिदाली, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि कम से कम वो घर तो जाकर के देखाओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? डॉक्टर साहब आप भी ठीक कहते हैं, साबरा भी ठीक कहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि गरीब के मसाइल गरीब ही समझ सकता है। मायूसी की बातें मत किया करो। सामने नहीं होता, प्यास के मारे हलक में कांटे पड़ रहे हैं। अरे 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 अब्दुल, अरे गिलास पानी तो ला। मरीजा ठीक हो गई? कैसी तबीयत है? चल चल के पांव दबा। शॉपिंग कर करके पांव रहे ही नहीं, समझो। ये शॉपिंग की और आप इसमें थक गई? अरे बैठ गई, छड़ी गिरा दी मेरी, दौड़ के जा वहां गाड़ी में, वो रह गया मिठाई का डिब्बा, अल्लाह दास के लेके आ, जल्दी कर। फुप्पी वो आ रहे। भाई लदा ये क्या उठा रहा है? फुप्पी तो मिठाई का। अरे यही है अलदा, बच्चे यहाँ रखो फिर। और सुनो गाड़ी में और तो कुछ नहीं है ना? नहीं और तो कुछ नहीं। भाई लदा आपको क्या हो गया है? फुप्पी ना मिठाई के डब्बे मांग रही है। चांदनी यही है मिठाई का डब्बा। हाँ ठीक है अलदा, शाम को जब जाने लगो तो पूछ के जाना, शायद कोई काम हो। अच्छा फुप्पी। फुप्पी क्या शाम को मिठाई और मंगवाना है? बहुत बोलने लगी अपने मियाँ की तरह, काबू में रखो इस जबान को वरना किस दिन खींच लूंगी इसे। सॉरी फुप्पी। ये भी सीख लिया है मियाँ से। फुप्पी मैं तो आपसे पूछ रही थी कि ये मिठाई आप क्यों लाई है? नियाज दिलाने के लिए, मैंने मन्नत मानी थी कि जुबैर मियाँ की शादी जिस दिन तय होगी 125 की नियाज दिलाऊंगी, गरीबों को खिलाऊंगी। फुप्पी ये 125 की है? अरे पागल की बच्ची, ये 125 की हो सकती है? इस महंगाई के जमाने में कोई 125 की चीज आती है? मैंने पूरे 32 रुपए 8 पैसे की एक पाव मिठाई ले ली, अब मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? ना मियां ना आल ना औलाद। खाना पीना भी हराम कर रखा है कमबख्त। उमेर भाई यार आजकल कुछ मजा नहीं आ रहा यार, कोई हंसने हंसाने वाली फिल्म देखना चाहता हूँ और तुम्हारे पास भी नजर नहीं आती है। अस्सलामुअलैकुम। अरे भट्ट साहब आप और यहाँ कैसे? ओ यार क्या बताऊँ, आजकल दिल बहुत उदास है और सोचा कोई अच्छी सी फिल्म देखी जाए और बीवी बच्चे फैसलाबाद से वापस आने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर तो आप ठीक जगह नहीं आए भट्ट साहब, क्योंकि आजकल हुमैर भाई ने भी हंसने हंसाने का काम छोड़ दिया, देवदास हो गए हैं, जरा चेहरा देखिए। हुमैर भाई खैरियत तो है? मेरी मानिए भट्ट साहब क्या आप फैसलाबाद खुद ही चले जाइए, आसान है। हुमैर भाई और घर में तो सब राजी खुशी है ना? घर में तो खैर सब राजी खुशी है, बस जरा पड़ोस में कुछ ज्यादा ही राजी खुशी हो गई है।
कोई फिल्म चाहिए या ये बकवास करने आए हो तुम यहाँ? इरादा तो नहीं था बकवास करने का, अगर आप कहते हैं तो कर लेते हैं। मैं तो आपका दिल बहला रहा था। चलो चलो, आए बड़े मेरा दिल बहलाने वाले, दफा हो यहाँ से। नहीं नहीं उमर, गुस्सा नहीं करते हैं। छोड़े भट साहब, आपको क्या पता ये सारे गली के लड़के मेरे साथ इसी तरह से मस्करी कर रहे हैं। किसी को मेरा ख्याल नहीं है, किसी को मेरा एहसास नहीं है। नहीं नहीं, जवान लड़के रोते नहीं है। छोड़े भट साहब, आप जाए बस यहाँ से, प्लीज अभी जाए इस वक्त। और चलो भाई चलो चलो इधर से चलो। खिलाओ पिलाओ ना, ये वारिस कहाँ रह गया? अरे भाई लड्डू को ऑर्डर दिया था, कुछ तो देर लगेगी ना उसमें। आ रहा होगा, लो गाओ बच्चे। चलो चलो बैठो ना, आते ही होगा। सावरा बहन। सलामकुम। सलामकुम फिदाली भाई, आप दोनों मेरे साथ आइए, जरा मेरी बात सुने। खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है। मजबूरी होगी जरूर, वो तो बाद में पता चलेगा। इस वक्त पुप्पी ने जो कुछ मुझसे कहा मैंने बता दिया। सलोनी आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा क्या हुआ? गाना गो ना। आए आवाज तो मेरी भी फट रही है। चले खराब सुनाए ना, सुनाए। मेरे नेहर से आज मुझे बेटा, वो शादी की तारीख आगे करने को कहा है तो सलोनी आपा वही बताने आई। मगर तारीख क्यों आगे कर दी उन्होंने? ये उल्टे सीधे ना मुंह बना, भाग यहाँ से, मैं आगे बहुत परेशान। मगर अम्मा शादी तो होगी ना? जरूर होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी, बस एक हफ्ते आगे करने को कहा है। अच्छा बेटी, तुम जाओ अपनी सहेलियों के साथ तैयारियां वगैरह करो।